की बोलती थी कि पहली कहानी उन्होंने बांग्ला में लिखी और आई थिंक उनकी पहली हिंदी में जो कहानी थी वो 1954 या 5 में धर्मयुग में छपी थी, लाल हरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध कहानी है उनकी। मैं तो खैर तीन चार थी उनको, इतनी सुंदर उनकी आवाज़ थी, इतना बढ़िया गाती थी। और जब वो शादी नहीं की तो मैं तो थी मृणाली सारा भाई ये। और मेरी माँ में भी ये प्रॉब्लम था, वो किसी के साथ रहना उनको मंजूर नहीं था। बाद में जब वो बहुत अशक्त हो गई थी, का स्वर एक बार फिर कानों में गर्म सीसा उड़ेलता है। उनकी नित्य व्यवहृत वस्तुओं को भी यही प्रवाहित कर दीजिए। एक-एक करके सारे स्मृति चिन्ह मुझे विदा करते देते चले जाते हैं। गंगा की उठती गिरती तरंगों में विवश दिन के एक साथ बहता चश्मा पहनने वाले की करुण स्नेह विगत विगलित दृष्टि से ही मुझे मुझे विदा देने लगता है तो आंखें फेर लेती हूँ। इट जस्ट गोज ऑन लाइक दिस। इट इज सच अ मूविंग ट्रिब्यूट टू अ मैन हु वाज हर कंप्लीट पार्टनर। अंत में उन्होंने लिखा है कि ही वाजंट जस्ट माय हस्बैंड, ही वाज माय बेस्ट रीडर एंड माय फाइनेस्ट क्रिटिक। कभी भी वो कोई कहानी लिखती थी भेजने के पहले पहले बाबू को पढ़ा देती थी और वो हमेशा कहते थे सुनो इसको ये हिस्सा काट दो, ये तुमने फलाने पे लिखा है, या ऐसा मत करो उसको बुरा लगेगा। तो मान जाती थी क्योंकि उनको मालूम था कि वो कभी गलत सलाह नहीं देंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि अपने देश में उन्हें इतना मान नहीं मिला, इतना सम्मान नहीं मिला, हालांकि पद्मश्री से नवाजे थे, पर फिर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार और बहुत से ऐसे साहित्य का पुरस्कार और सम्मान उन्हें नहीं मिले जो वो डिजर्व करती थी। और वही भी उनकी जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स रहे हैं, स्पेशली बिकॉज शी हैज अ फ्लेयर फॉर राइटिंग रोमांटिक फिक्शन से Let me tell you what my feeling on this is. You know, I have a very strong view on this. देखो 50 और 60 की जो शतक थी, जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद वाली जो इमेज थी, कितनी बड़ी बड़ी लेखिकाएं हुई उसमें। मेरी माँ तो एक थी, इसमत चुगताई थी, सलमा सिद्दीकी थी, मन्नू भंडारी थी, उषा प्रेमदत्त थी और कितनी और थी। इन सब ने अद्भुत कहानियां और उपन्यास लिखे हैं, लेकिन कभी भी उनको वो नहीं मिला दर्जा, ना वो सम्मान नहीं मिला जो कि मैं सोचती हूँ उनको मिलना चाहिए था। कुछों को बाद में मिला है जरूर, लेकिन जब तक उनको किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया अंग्रेजी में, या जब तक उनकी किसी कृति पर फिल्म नहीं बनी। और इसके पीछे मुझे लगता है दो तीन कारण थे। एक तो हमारे देश में ये एक कोई चुपे सी स्नोबरी बन गई थी कि रोमांटिक और पॉपुलर लिटरेचर इज नॉट लिटरेचर, इज नॉट हाई लिटरेचर। और ये लिटरेचर में नहीं हुआ सिर्फ, ये म्यूजिक में भी हुआ है, ये हमारे सिनेमा में भी हुआ है। आप सोचिए पहले से इन द 50s दो तीन स्ट्रीम्स होती थी सिनेमा की। एक होती थी जो आर्ट सिनेमा जिसको कहा जाता था, जैसे सत्यजीत रे हो, विमल रॉय हो, जो जिन्होंने अद्भुत फिल्में बनाई रियलिज्म स्ट्रॉन्गली लेफ्ट आइडियोलॉजी, वो इप्टा वाले जो प्रोग्रेसिव थॉट वाले जो लेखक थे जिन्होंने बनाई वंडरफुल सिनेमा। बीच का सिनेमा था साई वरांजित रे, वासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने पॉपुलर जिनकी हर फिल्म हिट होती थी। अभी भी बार बार आप देखिए कोई भी फिल्म, आप पड़ोसन देख लीजिए 36 बार देख लीजिए आपका मन नहीं भरेगा। और एक फिर वो जो तीसरा तबका था दैट वाज द जवानी क्लास वाला, जो दारा सिंह की रोटी छोटी छोटी होती थी। ऑल थ्री हैड इंडिविजुअल व्यूअरशिप्स सिनेमा में। ऐसे म्यूजिक में था पक्का गाना, जो क्लासिकल म्यूजिक था वो सिर्फ जो जिनका दिमाग था और जिनको ज्ञान था वो सुनते थे। एक फिल्मी म्यूजिक था जिसको मेरे पिताजी लारा लप्पा म्यूजिक कहते थे, जो हम सब बिनाकार हिट परेड और रेडियो से लौट के सुनते थे। बीच में एक आता था कॉल सुगम संगीत, आप लोगों में से किसी को याद हो कि नहीं, उसमें बढ़िया पोएट्री। हाँ, और उसमें हेमंत कुमार, एस डी बर्मन, पूरा
बहुत सुनिए मुजद्दिद नियाज़ी, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने गजब का गाया है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स विच मीन आर नॉट फिल्म सॉन्ग्स, लेकिन जिसमें लिरिसिज्म प्रधान था, रोमांटिक था, जो भी था, वे बहुत पॉपुलर था. नाउ ऐसे ही लिटरेचर में भी ऐसी था, देयर वाज वन काइंड ऑफ लिटरेचर जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी जी, निराला, जिन्होंने एक तरह का लिटरेचर लिखा. बीच में थी ये विमेन राइटर जिन्होंने बहुत पॉपुलर लिटरेचर लिखा, जिसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी. मतलब मुझे याद है मेरी माँ के जब उपन्यास सीरियलाइज होते थे साप्ताहिक में या धर्मयुग में, उनका सेल बढ़ जाता था हजारों गुना. और अब घरों में लड़ाइयाँ होती थी कि पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम पन्ने फाड़ फाड़ के दो, अच्छा एक पन्ना तुम पढ़ो, आधा पन्ना मैं पढ़ू, ऐसा होता था. आई हैव सीन इट. अभी भी जो उनके पुराने पाठक हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने चार चार के किताबें पढ़ी हैं और अभी भी उनको पढ़ते रहते हैं. सो दैट पॉपुलैरिटी वाज समहाउ नॉट एक्सेप्टेड एज लिटरेचर. और जो वो थर्ड रेट किताबें थी उनकी, तो वो जो जासूसी और उस तरह की, उनकी अलग थी, दैट हैड अनदर रीडरशिप. आई एम नॉट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स हियर, लेकिन यू नो हमारे यहाँ पता नहीं ये क्यों स्नॉबरी हमारे लिटरेरी यूनिवर्स में ऐसी बनी कि इन लोग, इफ यू आर पॉपुलर देन यू आर नॉट अ गुड राइटर, इफ यू राइट रोमांटिक लिटरेचर यू आर नॉट अ ग्रेट राइटर. ये किसने कह दिया? डिकन्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट रोमांटिक राइटर्स. लुक ही हैज सर्वाइव्ड व्हेन मेनी अदर्स हैव डाइड. जेन ऑस्टिन, कितने हैं विदेशों में हमारे यहाँ भी. तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है कि हम लोगों ने, अब जब हम कहते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले पाठक ही नहीं बने, अरे भैया सारी जितनी पत्रिकाएं थी उनको तो तुमने सबको बंद कर दिया है, न धर्मयुग है, न सारिका है, न सरिता है, न ज्ञानोदय है, न कादम्बरी है, न साप्ताहिक हिंदुस्तान है. कितनी कितनी हम लोग, मुझे चुपन से याद है, हम लोग कितनी हिंदी की किताबें पढ़ते, पत्रिकाएं पढ़ते थे. अब वो सब पत्रिकाएं सिर्फ स्टारडस्ट और फिल्म मैगजीन्स और फैशन एंड क्लिजी स्टफ. देन वो लोग जो पढ़ते हैं उनको ऐसे कहानियों से कोई वास्ता नहीं है. तो अगर आप अब रोते पीटते हैं कि हिंदी के पाठक नहीं बने बच्चे हैं, आपने खुद उनका गला घोटा है. तो आप कहने से कोई, हमारे अपने बच्चे हिंदी नहीं बोलते हैं, हम औरों खुद बच्चों को क्या नाम, हम अपने बच्चों से अंग्रेजी में बोलते हैं, उनके बच्चे उनसे अंग्रेजी में बोलते हैं. इसलिए हमने जब अपनी ही भाषाओं को इतनी हिफाजत की नज़र से देखा है कि हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं. मैं एक दिन मृणाल से इसके बारे में बात कर रही थी कि मेरी माँ और नानी आठ आठ लैंग्वेजेस जानती थी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुमाऊनी, ये तो हमारी अपनी थी, फिर गुजराती, बंगाली, मराठी, क्योंकि शिरोरेखा नहीं होती है मराठी में, पर आप और मैं पढ़ सकते हैं गुजराती और मराठी अगर कोशिश करें. करी नहीं है कोशिश तो कैसे समझ में आएगी. अच्छा, उन्होंने तो आठ लैंग्वेजेस पढ़ी, हमारे टाइम तक चार हो गई, हमारे बच्चों के टाइम तक दो हो गई, हिंदी और इंग्लिश, और उनके बच्चों के टाइम तक तो एक हो गई. तो तीन जेनरेशन में हमने सात लैंग्वेजेस, सात भाषाओं को गंवा दिया है. ये कितने दुख की बात है. और इसमें अगर कोई इस बात को उठाए तो वो या तो फिर संघ चालक बन जाता है, या फिर उसको गालियां पड़ती हैं कि योर भगवा करण. दिस इज नॉट राइट. वी मस्ट नॉट लुक एट लैंग्वेज एट लीस्ट थ्रू द आईज ऑफ पॉलिटिक्स. धन्यवाद. अब समय है आप सबके प्रश्नों का. इस बार से एक नई पहल, जैसे कि कलम करता है, वो की है कि जो बेस्ट पांच सवाल होंगे उनको लेदर बुक मार्क्स मिलेंगे. तो आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा. और बाकी सब लोगों को, डॉक्टर गीता सिंह है और मैं शिवानी मेरे बचपन की और मेरी किशोरावस्था की साथी रही हैं. लेकिन मैं एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ यहाँ पर. मैं लखनऊ की बेटी हूँ और एक बार मैं 17-18 साल की थी, 12वीं कक्षा पास की थी मैंने, और मैं कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके दिल्ली से लखनऊ आ रही थी. और शिवानी जी थी मेरे साथ, ट्रेन में थी, और उस दिन उनकी बाह में कुछ चोट लगी थी, तो वो स्लिंग में था उनका हाथ. और मैंने उन्हें देखा तो मतलब एक शराफत की जो जो एक नॉर्मल व्यवहार था,
उसके चलते मैंने उनके सामान को मदद की उसको रखने में. और उसके बाद फिर मेरी ये सौभाग्य था कि मेरी और उनकी सीट एक साथ थी. ये गोमती एक्सप्रेस जो होती थी जो शाम को चलती थी, तो उसमें जब हम बैठे तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है. फिर मैंने उन्हें अपना नाम बताया. फिर वो बोली अच्छा क्या करती हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं वगैरह वगैरह. और उसके बाद फिर उन्होंने, मैं बहुत जल्दी से बता रही हूँ लेकिन ये इतना रोचक संस्मरण है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ और ये मेरे जहन में बहुत गहराई से छुपा हुआ है क्योंकि कभी कभी ऐसे सौभाग्य मिलते हैं. तो फिर उन्होंने बताया कि मेरा नाम गौरा पंत है, वैसे शिवानी. तो मैंने कहा आप शिवानी हैं. बेबाक था, अपने अपने जमाने का बेबाक नॉवल था. तो उसके बारे में फिर हमने चर्चा की. पर उन्होंने ये कहा कि शालीनता की कुछ सीमाएं हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए. और फिर उन्होंने मुझे स्वतंत्रता और मुझे कि उस जमाने में मोबाइल नहीं होता था, एक फोटो उतार लेते, लेकिन मेरे जहन में और मेरे दिल में उनकी आकृति बहुत स्पष्ट है. और मुझे तो अपने बचपन की एक मित्र हैं वो मेरी जो मेरे साथ में. थैंक यू. मैं जस्ट याद रखी यू नो हम इस पूरी चर्चा में ये मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरी माँ का सेंस ऑफ ह्यूमर, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था और उनके अंत तक उन्होंने इसको बरकरार रखा. मुझे याद है जब लिटरली हफ्ता भर पहले बिफोर शी डाइड शी वाज इन द आईसीयू. तो हम लोग तो दो दो मिनट के लिए मिलने के लिए. और जो आप बता रहे हैं कि करना खींचने वाले लोग हमारे कॉलेज में भी इसी तरह से हम लोग पीछे पड़े रहते थे. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चलिए वो तो जमाना ऐसा था या आपके पापा इतने होते उनको वो मौका नहीं मिला या उस समय हमारे समाज में महिलाओं के लेखन को उन्हें, लेकिन अभी आप लोग इतने बच्चे आगे बढ़ चुके हैं और नाम जी हैं, अब आप लोग कुछ ऐसा करिए ना तो वो वापस से उनका नाम हमारे हिंदी साहित्य में सुर्खियों में आए. वो काम हमारा नहीं, उनके पाठकों का है. आप हमारे टीवी शो जो होते हैं जब ये गाना गाते हैं सारे गा वाले जो ये सिंग ओनली सॉन्ग्स ऑफ द 50s एंड 60s, कोई नया गाना नहीं गाते हैं. तो जो वाकई अच्छा है और जिसमें दम है उसकी उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा और वो एक नेचुरल प्रोसेस होनी चाहिए. ये आर्टिफिशियली किसी को बढ़ाना करना इससे कभी किसी का फर्क नहीं पड़ा. मेरा मानना तो यही है कम से कम कि उनके पाठकों को ढूंढे. और मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ट्रांसलेट जितना कर सकती हूँ अपनी माँ का कि जो बेचारे नहीं अब जैसे साउथ इंडियन लोग हैं जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है ना पढ़ेंगे, उनसे मैं क्या आशा करूँगी. नहीं हम पढ़ते हैं कन्नड़, हम पढ़ते हैं तमिल, नहीं तो इसलिए मैं अब ट्रांसलेशन इसीलिए करती हूँ. और जहाँ तक हो सकता है मैं कुमाऊँ के लोगों का ट्रांसलेशन करती हूँ. तो अपनी माँ का मैंने बहुत किया, मनोहर श्याम जोशी जी की किताब मैंने ट्रांसलेट करी है और या मैंने एक की ब्रह्मा खेतान जी की करी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी हिम्मत वाली महिला थी. उनकी किताब थी अन्या से अनन्या जो कि जब लिखी थी तो उसका कितना भारी लहका मचा था. उसको मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और कई लोगों ने पहली बार उनके बारे में पढ़ा. अनन्या तो सीरियल में आया था एकदम, नौ सीरियल थे जी जी. वो ये कह रहे कि दिस इज व्हाट वी कैन डू नाउ. हमने वो प्रतिभा नहीं है जो शिवानी जी में थी, ये मैं अभी समझ में नहीं हूँ. तो इसलिए मैं यही कर सकती हूँ कि मुझे ये भगवान ने वरदान दिया है कि मुझे हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेट करना आता है तो मैं कम अज़ कम उतना ही कर. मैं थोड़ा लेखन से अलग जा रहा हूँ. वो जो समस्या माता पिता जब अकेले हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब बच्चों के पास नहीं जाना चाहते हैं, उस विड़म्बना में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब मैंने भी ये फेस किया है, हम सब पूरे जितने परिवार यहाँ हैं जिनके बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने फेस किया होगा. वो उनको पूछा गया कि क्यों हमारे पास क्यों नहीं रहना चाहते. मेरे बाबा कहते बेटा मेरा रेडियो मेरे बाएं हाथ की तरफ है, मैं ऐसे ऑन करता हूँ, मैं उठता हूँ तो बिना चश्मे पहने मुझे लाइट स्विच कहाँ जानता हूँ.
मेरे कौन से खिड़की से कब रोशनी आती है वो मैं जानता हूँ, हवा किधर से आती है, मैं तुम्हारे घर जाके कैसे करूँगा इस चीज़ से। मैं ले भी आया, निर्मल मेरी वाइफ बैठी है सामने, हमने एक बड़ा घर लिया, उनके लिए स्पेशल कमरा लिया, सब कुछ किया हमने, जयपुर से अजमेर की बात है, ले आया। मैं कहा ये आपके लिए कम्फर्टेबल है, सब कुछ है, रहे एक रात, रहे दो रात, रहे थोड़ा लॉन में घूमा, इधर उधर हुआ कि चले जयपुर। ये इस पे भी लेखन कोई लिखे, हम लोगों को तो यंगर जनरेशन छेड़ते हैं जब हम कहते हैं कि ये इस एक्सपीरियंस के बारे हम जब बात करते हैं, मूव अवे फ्रॉम अस। पर इस जनरेशन में जहाँ यहाँ काफ़ी हमारे उम्र के लोग हैं, ये ज़रूर महसूस करते होंगे कि इस का कुछ समाधान होना चाहिए। पेरेंट्स आर नेवर कंफर्टेबल मूविंग टू देयर चिल्ड्रन हाउस। इट्स लाइक ट्रांसप्लांटिंग अ ट्री इनटू अ फ्लावर इनसाइड यू, एंड वो वहीं रहनी चाहिए जहाँ एक इनकी जो आखिरी कहानी है सुतो वाली, इतनी मार्मिक कहानी है वो, उसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल भी है कि एक वृद्ध पति पत्नी है, उनके पांच बहुत होनहार बच्चे लड़के हैं एक से एक, और फाइनली वो जब अपने छोटी वाली बेटी के घर जाते हैं इतनी खिन्न हो जाती है कि वो वापस, उनकी वाइफ उनसे कहती है प्लीज मैं मरने वाली हूँ, बट आई वांट टू डाई इन माय ओन हाउस, तो वो उनको लेके वापस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो जब वो वहाँ स्मशान घाट से वापस आते हैं, बड़ी जोर की बिजली कड़कती है, तो वो कहते हैं जी नमस्कार, मैं आनंद शुक्ला हूँ। काफ़ी पढ़ा है शिवानी जी को, बहुत यूनिवर्सिटी डेज से बहुत पढ़ते थे, मिलने का भी सौभाग्य एक बार पंत जी के इलाहाबाद में हुआ। उनके जो करेक्टर होते थे, जो रेखा चित्र में थे, संस्मरण में थे, यात्रा वृत्तांत में है, कोई भी चाहे घीसू का करेक्टर हो या पुरोपुर, आप क्या किसी भी ऐसे करेक्टर को खुद जानती हैं जिनके बारे में पंडित शिवानी जी ने लिखा है, किसी भी करेक्टर को? क्योंकि बड़ा सहज सा लगता था, काल्पनिक नहीं लगता था, घर के आसपास ही कहीं। हाँ, रजुला एक मेरी माँ की बड़ी बढ़िया है, अलग माई करके उनका एक लेख है, एक वैष्णवी से उनका परिचय हुआ था, और एक हुड़कियानी कहते हैं पहाड़ में जो डांसिंग गर्ल्स होती, अद्भुत गला था उसका, इतना सुंदर गाती थी, और मेरी माँ म्यूजिक की दीवानी थी, इसलिए वो उसके पीछे बहुत बढ़िया है, वो भी इसी में गौरव कर रही है। तो देर आर सम कैरेक्टर्स विच वर रियल कैरेक्टर्स, सम कैरेक्टर्स विच शी क्रिएटेड आउट ऑफ यहाँ से नाक, वहाँ से पाँव, यहाँ से सिर, यू नो नॉट अ कॉम्पोजिट कैरेक्टर, लेकिन वो बनाया। तो आई कैन टेल यू कि ये वाला जो है दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सो एंड सो, वहीं से तो आप लेते हैं, अपनी ही दुनिया से उनको लेते हैं, अपने ही, तभी तो माई फादर यूज़ टू सिट लाइक द सेंसर बोर्ड जब वो कि तुम प्लीज़ ये वाला ये मत करो। और एक मैं आपको बहुत फनी किस्सा में प्रेरणा बता रही थी, 14 पे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, उसमें अहिल्या इज इन लव विद दिस आर्मी पर्सन कॉल्ड राजू, जो कि एक्चुअली इन द ओरिजिनल स्टोरी जो मेरी माँ ने लिखी थी उसमें उनका देहांत हो गया था, एंड दैट प्रेरणा सहारी जी का और आप सभी का कर्म की इस 10वीं श्रृंखला में उपस्थित होने के लिए प्रभाकरण फाउंडेशन और वी केयर की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगे हमारे प्रस्तुतकर्ता श्री सिमेंस का, कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स होटल मैरियट का, और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर का। आप सब अपनी प्रतियां लेकर ईरा जी से सिग्नेचर करवा सकते हैं। याद रहे एक प्रति एक परिवार। धन्यवाद।